खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। सितम यह है कि रेगुलेटर ने पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपए कमी तक का हिसाब लगाया था, लेकिन हुकूमत ने कमी सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए की है। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रद्दो बदल, ऐसा गोख धंधा है जो आज तक अवाम की समझ में नहीं आ सका। ऐसा ही एक और कर्ज है जो मुल्क की रग रग में सराइयत कर चुका है। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो आलमी इदारों से कर्ज लेने पर साबिक हुक्मरानों की क्लास लगाया करते थे। शिकवा यह होता था कि कर्ज लेने वालों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन कड़वा सच यह है कि कहना आसान होता है और करके दिखाना मुश्किल। अब इज्जत अफजाई के जो रिकॉर्ड तब्दीली ने तोड़े हैं वो स्टेट बैंक की जुबानी सुन लें। स्टेट बैंक बुलेटिन के मुताबिक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा सरकारी कर्जों का हजम 399 खरब रुपए तक पहुंच गया है। तब्दीली के 3 साल दौरे हुकूमत में सरकारी कर्जों में 149 खरब रुपए का इजाफा हुआ। 2018 से 2021 तक सरकारी कर्जों में हर साल 20% की शरह से 60% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई हुकूमत का 3 साल में लिया गया कर्ज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल दौर में लिए गए कर्जों के 82% के बराबर है। एक ताना जो कप्तान नूली को देते थे वो मेट्रो बस का था, जिसे पीटीआई सफेद हाथी कहती थी और अब भी कहती है, लेकिन सितम देखिए कि फिर इसी गलती को खुद भी दोहरा दिया। इसी तरह के एक शाहकार की तख्लीक के लिए पीटीआई 5 साल के केपीके में कोशिश करती रही। अब इस शाहकार की भी सुन लें कि मेट्रो बस सर्विस की तरह यह शाहकार भी खसारे का शिकार है। 2 साल में पिशावर बीआरटी को मजमुई तौर पर 4 अरब 67 करोड़ और 33 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है सिर्फ 2 साल में, जबकि रवा माली साल के दौरान बीआरटी को 2 अरब 79 करोड़ रुपए के खसारे का तखमीना लगाया गया है। बीआरटी के खसारे में मुल्की कर्ज की तरह बरकत पड़ती दिखाई दे रही है। इस तब्दीली पर किसका दामन पकड़ा जाए, किसे मुनसिफ करें और किससे शिकायत, कुछ समझ नहीं आ रही। एक और अहम आलमी मामला जिसकी तरफ दुनिया की नजरें लगी हैं वो अफगानिस्तान का मामला है, जहां से 20 साल बाद अमेरिका का बाकायदा इंखला मुकम्मल हो गया है। अब तालिबान का इम्तिहान शुरू है, वो दुनिया के तहफ़ुज़ात दूर कर पाते हैं या नहीं, अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, अफगान सूरत हाल के खत्े पर असरात क्या होंगे, रूस चीन पाकिस्तान ईरान और तुर्की का अहम किरदार मुतवक्के है, ये किरदार क्या हो सकता है, इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, अब असल इम्तिहान शुरू हो गया है, अमरीकी तो चले गए, पीछे तबाही छोड़ गए, जाते जाते जो कुछ सामान उनको नजर आ रहा था जो वो तबाह कर सकते थे वो कर गए हैं, तालिबान ने अब आकर जश्न मनाया है, लेकिन इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। समझा, इम्तहान तो अब शुरू हुआ है और ये बाबा अमरीकी भी ये बार-बार कह रहे हैं, जिम्मे खलीलजाद जो है उन्होंने भी कहा, ब्लिंकन ने भी कहा दिया अफगानिस्तान से हम जा रहे हैं और अब तालिबान का जो है वो इम्तहान स्टार्ट हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जाते जाते इनको चाहिए था कि एक अच्छी दास्तान छोड़ जाते, एक अच्छी तारीख रकम कर जाते, वो जो असला था, वो जो वहाँ पर जहाज थे, काबुल एयरपोर्ट का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मिज़ाइल एंटी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम था, उसको सही करके जाते 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 सारा कुछ तबाह करके चले गए हैं। जहाज छोड़ गए हैं तो नकारा कर गए हैं, असला छोड़ गए तो नकारा कर गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ख़राब कर गए हैं। मेरा मतलब है कि कहीं ये तालिबान के हाथ, तालिबान को वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसको हैंड ओवर करती है, उनको कहते कि ना ये अब तुम्हें सारा कुछ दे दिया है, सारा असला तुम्हारे पास है, तुमने दाइश को खत्म करना है, उनके साथ बैठ के एक अच्छे तरीके से जाते, फिर रात को छुप के रात की तारीकी में रात 12 बजे वहां से निकल गए और निकलते निकलते सारा सिस्टम तबाह करके चले गए। इससे तो ये लगता है कि अमरीकी नहीं चाहते कि वहां पर अमन हो, अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, इसीलिए वो तालिबान को कमजोर करके जा रहा है। जी, बेहतर ये ना होता कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जो था उसको अच्छे तरीके से तालिबान के हवाले करते। 9 अरब डॉलर रोके हुए वहाँ पे, रूस ने मुतालबा किया है कि जो 9 अरब डॉलर अफगान कौम के हैं उस पर अमेरिका क्यों कदगन लगा रहा है, वो तो आने दें, क्योंकि यहाँ तो बड़ा बहरान पैदा हो रहा है खुराक का, दवाइयों का, बुनियादी जरूरियात का। आप देखें बैंकों के बाहर लाइन है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, तबाही हो रही है, सारा कुछ जान बूझ के किया जा रहा है।
ये जान बूझ कर अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए किए जा रहा है ताकि जो तालिबान है उनकी हुकूमत को नाकाम कर दिया जाए। उन्होंने जो फतह हासिल की है सारी दुनिया के सामने, वो नहत्ते लोग जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो 20 साल अमेरिका से लड़े और अल्टीमेटली अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो वहां से रात को भाग जाए। अब ये चाह रहे हैं कि जनाब वहां पर खाना जंगी हो। एक तरफ ये दाइश की बात करते हैं, अगर दाइश का खतरा है, अगर दाइश का डर है, आईएस का डर है, टीटीपी का डर है, तो इनको चाहिए था कि उनको असला तालिबान को हैंडओवर करके जाते, उनको समझा के जाते कि ये असला किस तरह से चलाना है, उनको ट्रेन करके जाते, उसके बाद वहाँ पे जो पैसे हैं उनको उनके पैसे देते, उनकी इकोनॉमी ताकि चल सके। जब वहाँ पर गुर्बत होगी, जब वहाँ पर खाना, जब वहाँ पर बेरोजगारी होगी, जब वहाँ पर अच्छे खुद भी नहीं लोगों को मिलेंगे, तो फिर खाना जंगी होगी, फिर लड़ाई होगी। और यही लग रहा है कि अमेरिका जाता है, यही जो है इंडिया जाता है, इंडिया जो अमेरिका का टट्टू बन के यहाँ पे फिर रहा है, जिसको अमेरिका ने 20 साल जोर लगाया कि वो इस खित्ते का इसको चौधरी बना दे। अब जो तालिबान ने वापस काबुल में को फतह किया है और कोई गोली नहीं चली, अमेरिका को और इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा, खास तौर पे इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम एक मरकजी हैसियत हासिल कर गया, पाकिस्तान की जो फौज है वो मरकजी हैसियत हासिल कर गई, सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल कर सकता है। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तो बेचारा जो कर सकता है वो करेगा, लेकिन नेटो ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इनका क्या रोल था? कुछ नहीं, जीरो, माइनस, नेगेटिव। अच्छा, आपने कहा कुछ नहीं छोड़कर गए, लेकिन मैं देख रहा था गुलाम नज़र साहब के सुराग सा कुत्ते वो काफी तादाद में पीछे छोड़ गए, शायद उनको ले जाने के लिए जगह नहीं थी, वरना वही चीज भी ना छोड़ते या उनको भी मार डालते। वैसे कुत्तों से प्यार है शायद अमरीकियों को, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, बाकी तो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन जो बात बाबू डोगर साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि अमेरिका को तो खतरा तब होगा जब अमेरिका के लोगों को खतरा, यानी अमेरिका में दाइश की कार्रवाई का खतरा हो। अगर उनको नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोई दाइश करता रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब असल इम्तिहान तो तालिबान का अपना है, रीजनल कंट्रीज का है, वो क्या करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था अनस हकानी का जो इंटरव्यू टीआरटी पर चला है, उसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल की जंग इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं, यानी वो नौजवान है मगर सोच देखें, 4 साल उन्होंने, 5 साल कैद काटी है और जिसमें से 4 साल कैद तन्हाई थी, 4 उनके भाई जो है वो शहीद किए गए थे। वो कह रहे हैं कि 20 साल जंग इतनी मुश्किल नहीं थी जितना अब मुश्किल है कि हमने अफगानिस्तान में किस तरह अमन और इस्तेकाम लाना है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर करना है। तो इम्तिहान तो अब तालिबान का होगा, दुनिया तो तालिबान से पूछेगी, जी आप आ गए थे, आपने क्या किया, तो क्या किया जा सकता है तालिबान की तरफ से और जो रीजन में ममालिक है जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान है, दीगर ममालिक। दुनिया इस सूरत में पूछ सकती है कि अगर तालिबान अपनी हुकूमत बनाते हैं और फौरी तौर पर जो ममालक हैं दीगर वो उनको रिकग्नाइज कर लें और तालिबान की मदद शुरू कर दें, तब 6 महीने बाद जाके तालिबान से ये सवाल किया जा सकता है कि आपको, आपने हुकूमत ली थी और हमने आपको सपोर्ट किया था तो आपने क्या किया। लेकिन ये सारे कांटे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं ये अमेरिकन्स ने ही तालिबान की राह में बिछाए हैं, और जानबूझकर अशरफ गनी और उससे पहले जो करज़ई हुकूमत थी उन्होंने जो वहाँ फौज तैयार की और उसको तरबियत याफ्ता नहीं किया। अब बात यह है कि 2 बुनियादी शोबे होते हैं किसी भी तहकीक का और हरब का। एक शोबा ये होता है कि उनको पूरी तरह से वेल इक्विप्ड किया जाए, और दूसरा ये होता है कि उनमें एक ऐसा शऊर, एक ऐसा जज्बा पैदा किया जाए जो एक नारा मस्ताना लगे तो वो अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हो जाए। लेकिन वहाँ उनमें तरबियत फराहम की गई, उनको ट्रेनिंग की गई, तरबियत नहीं कह सकते उसको, अंग्रेज़ी लफ्ज़ ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है, कि ट्रेनिंग उनकी की गई लेकिन उनके अंदर तरबियत का फुकदान रहा और उनके अंदर जज्बा, जोश व जज्बा, जो एक वलवला होता है वो वहाँ कायम नहीं किया जा सका। तो ये किसका फेलियर्स अमेरिकन से, उनको भर्ती किसने किया, अमेरिकन ने किया, तो क्या सेनेट डिफेंस कमेटी US की ये सवाल कर सकती है अपने इदारों से, वहाँ के जिम्मेदारान से, कि जिन्होंने इनकी तरबियत की थी, उनकी ये सबसे बड़ी खामी सामने आई है कि वो फौज किसी तौर पर भी लड़ने के काबिल नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।